In today's class, we are going to proceed with our next exercise, that is exercise 5.4. Before proceeding with the exercise, पहले मैं आपको इस exercise में जो formula use होना है वो मैं आपको बता दूँ. First formula जो हम इस exercise में use करेंगे, that is derivative of log x. Log x का derivative क्या होता है? 1/x, ये आपने 11th class में study किया है. E raised to power x का derivative e raised to power x होता है. और a raised to power x का derivative क्या होता है? a raised to power x as it is, then log a. For example, 5 raise to power x. अब 5 जो है आपका वो a को substitute कर रहा है. तो क्या होगा? a raise to power x. तो 5 raise to power x log a. In place of a, we will put 5. In place of a, we will put 5. तो ये formula जो हम इस exercise में use करेंगे. Now the first question is e raise to power x upon sin x. e raise to power x upon sin x. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब ये न्यूमरेटर है आपका, ये डिनोमिनेटर है आपका. न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं. तो क्या होता है हमारा क्वेश्चन रूल? डिनोमिनेटर स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. अब अगर आप कंपेयर करो डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज साइन एक्स स्क्वायर, then denominator is as such as derivative of numerator e raised to power x का derivative, because e raised to power x is our numerator, minus e raised to power x numerator is as such as and derivative of denominator sin x derivative. So finally what we will have? sin x into e raised to power x upon sin square x माइनस ई रेस टू पावर एक्स. साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स. भाई ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेस टू पावर एक्स ही होता है. माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट? नाउ नाउ व्हाट वी डू, वी विल सेपरेट दीज टू टर्म्स अलोंग विद द डिनोमिनेटर. लाइक साइन एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स, e raised to power x का डेरिवेटिव e raised to power x upon sin square x, then minus, because we know that हम न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर कांट बी सेपरेटेड, माइनस e raised to power x डेरिवेटिव ऑफ sin x दैट इज cos x upon sin square x, then sin x and square value will be cancel out, we are left with e raised to power x upon sin x minus, it can be written as e raised to power x cos x अपॉन साइन एक्स इंटू वन बाय साइन एक्स, राइट? साइन स्क्वायर एक्स था तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स कर दिया. अब इससे बेनिफिट क्या हुआ? वन बाय साइन एक्स, वन बाय साइन एक्स इज वॉट? कॉसेक एक्स. कॉस बाय साइन एक्स कॉट एक्स. वन बाय साइन एक्स कॉसेक एक्स. फर्दर व्हाट वी कैन डू, टेकिंग ई रेज टू पावर एक्स कॉसेक एक्स कॉमन, वी आर लेफ्ट विद वन माइनस कॉट एक्स. इज इट क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई रेस टू पावर साइन इनवर्स एक्स. देखो अभी आपने देखा ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेस टू पावर एक्स. एक्चुअली हम पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, ऑर्डर ये होता है, फिर हम एक्स का डेरिवेटिव करते हैं. बट वी नो द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? वन. तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है. बट यहाँ पर एक्स की जगह क्या है? साइन इनवर्स एक्स. तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो वन नहीं होता है. तो किस तरह से करेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल ई रेस टू पावर एक्स है, ये आपका एक्स है. ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स, राइट? एंड देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स मीन्स साइन इनवर्स एक्स. तो हम साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे. साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा दैट विल बी ई रेस टू पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस साइन स्क्वायर. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. क्वेश्चन इज ई रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर थ्री. अब ये आपका इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव एक्स रेस टू पावर थ्री. फर्स्ट ऑफ ऑल ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेस टू पावर एक्स. एंड देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू पावर थ्री, एक्स रेस टू पावर थ्री का डेरिवेटिव क्या होता है? थ्री एक्स स्क्वायर. तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
okay. Next question is sine tan inverse e raised to power minus x. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं. ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा. दिस इज द होल वैल्यू इज थीटा. देन वी विल डू दैट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल, दैट इज टेन इनवर्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स डेरिवेटिव. नाउ व्हाट वी विल हैव, कॉस टेन इनवर्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स. वी नो दैट टेन इनवर्स एक्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू व्हाट, टेन इनवर्स एक्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. Here in place of x, here in place of x, we have e raised to power minus x. That is why 1 upon 1 plus x square. In place of x, we will have e raised to power minus x. In place of x, we will have e raised to power minus x square. That is square. And then at the same time, derivative of x. भाई देखो 1 upon 1 plus x square आप करते हो तो x का derivative आपको पता 1 होता है. उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं होती. बट ई रेस टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं होता है, तो फिर आपको इसका भी डेरिवेटिव करना है. तो ई रेस टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज कॉस थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर ये जो एक्स है आपका इसका डेरिवेटिव. इज इट क्लियर? देन कॉस टेन इनवर्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x हो जाएगा. और ई रेस टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर माइनस एक्स, दैट डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स. ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स होता है, दैट डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज 1. बट हियर ई रेस टू पावर माइनस एक्स, और ई रेस टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स. देन वी विल डू द फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, बट वी विल हैव माइनस 1. तो अवर फाइनल आंसर विल बी e रेस टू पावर माइनस एक्स. ये तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 होगा, इस माइनस को हमने एज इट इज ये लिखा है, ठीक है. देन कॉस टेन इनवर्स e रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e रेस टू पावर माइनस 2x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. We have to find the derivative of log cos e raised to power x. Now, ये आपका x है, right? अब log x का derivative क्या होता है? Log x का derivative होता है 1 by x. Then x का derivative क्या होता है? 1. तो ये 1 by x आता है. But can I say the same thing for this x? क्या cos e raised to power x का derivative 1 होता है? नहीं होता ना? तो कैसे करेंगे? First of all, log x. Log x का derivative 1 by x. तो x को आपने किससे replace किया? Cos e raised to power x. Then derivative of x, cos e raised to power x derivative. जब आप इसका derivative find करोगे, first of all function का derivative, cos theta का derivative क्या होता है? Minus sin theta. And here theta is e raised to power x. Minus sin theta. Then derivative of theta, that is e raised to power x derivative. पहले function का derivative किया, फिर angle का derivative. Finally, what we will have, minus sin e raised to power x. E raised to power x का derivative e raised to power x ही होता है, upon cos e raised to power x. Finally, sin e raised to power x upon cos e raised to power x. ये हो जाएगा 10 e raised to power x. And minus e raised to power x ये आपका as it is आ जाएगा. Is it clear? Next question is e raised to power x plus e raised to power x square plus 7 e raised to power x raised to power 5. तो generally इस question को देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या दे दिया है. बहुत simple question है. देखो e raised to power x raised to power 1, then x raised to power 2, next one क्या होगा, x raised to power 3, x raised to power 4 and then x raised to power 5, right? अब हमें derivative find करना, differentiate with respect to x. तो हमें पता है कि e raised to power x का जो डेरिवेटिव होता है वो e raised to power x होता है. अगेन e raised to power x square, ये आपका x है. तो e raised to power x as it is आ जाएगा, then derivative of x. अब x square का डेरिवेटिव करना. Similarly e raised to power x as it is and then derivative of x. Then e raised to power x 4 as it is
and then derivative of x. Then e raised to power x 5 as it is, then derivative of x raised to power 5. Finally, what we will have? E raised to power x. X square का derivative क्या होता है? 2x into e raised to power x square. Plus, x cube का derivative करोगे तो क्या आएगा? 3x square. Because x raised to power n का derivative क्या होता है? nx raised to power n minus 1. Into e raised to power x cube. Plus, x raised to power 4 का derivative क्या होता है? 4x cube. And e raised to power x4 as it is. Then, e raised to power x5 and x raised to power 5 ka derivative kya hota 5x. Is it clear? And this is the final answer of this question. The next question is question number 7. Square root of e raised to power root x. Yahan bhi aap chain rule lagega. Sabse pehle dekho hum kiska derivative karenge. सबसे पहले जो आउटर मोस्ट रूट है हम इसका डेरिवेटिव करेंगे स्टेप वन. अब आपको पता रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स. तो यहाँ पे जो एक्स है रूट के अंदर जो है वो पूरा एक्स है. तो ये कहना है सीधा ये पूरा मेरा एक्स है, ये एक्स को रिप्लेस कर रहा है. तो रूट ये हो गया रूट और ये हो गया पूरा एक्स. रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स. तो 1/2 रूट एंड देन एक्स, ये पूरा आपका एक्स को रिप्लेस कर रहा है. उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव तो वन होता है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. बट यहाँ पर ई रेस टू पावर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो वन नहीं है. नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस टू पावर रूट एक्स. ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेस टू पावर एक्स एंड देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो कि वन होता है. अगेन e रेस टू पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? e रेस टू पावर रूट एक्स देन डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स. बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स वो वन नहीं होता है. देन व्हाट वी विल हैव? 1/2 ये हो गया e रेस टू पावर रूट एक्स इनटू 1 e रेस टू पावर रूट एक्स अपॉन 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ e रेस टू पावर रूट एक्स इनटू 1. रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अभी बताया था 1/2 रूट एक्स. अब जो चीज समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझ. देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2/√2, ये रूट टू के इक्वल होगा ना. वाई सो बिकॉज आपको पता 2√2 × √2 होता है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो. अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 5/√5 तो ये √5 के इक्वल होगा. वाई बिकॉज 5 हो गया √5 × √5 / √5 और ये कैंसिल हो गया. सिमिलरली ये हो गया आपका, से ये हो गया आपका 2 और ये हो गया √2. तो 2/√2 क्या होता है? √2. फाइनली तो इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल हैव? √2. ये समझ में आ गया? एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2 × √x. ये बात समझ में आई है? दोबारा बताओ. देखो ये हो गया आपका 2, टू हो गया आपका e रेस टू पावर रूट एक्स. तो रूट टू क्या होगा? रूट ऑफ e रेस टू पावर रूट एक्स. इसके इक्वल होता है √2. तो आपने रूट रखा और 2 की जगह क्या रखा? e रेज टू पावर रूट एक्स. देखो यही वैल्यू आ रही है. अब आया समझ में? ठीक है. फर्दर इट कैन बी रिटन एज 2 × 4√x, दैट इज 1/4. देखो ये भी रूट है ये भी रूट है. आपको पता है रूट ए अपॉन रूट बी को हम कैसे लिख सकते हैं? रूट ऑफ ए बाय बी. ये पूरा हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट log इनटू log x. अब देखो ये यहां पर x का काम कर रहा है. आपको पता log x का डेरिवेटिव क्या होता है? दैट इज 1/x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो आपने क्या 1/x, फिर x का डेरिवेटिव जो हम निकालते हैं x का डेरिवेटिव 1 होने की वजह से ये 1/x रहता है. तो ये हो गया 1/x. तो x की जगह क्या आ गया? log x. फिर x का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव किया. व्हाट वी विल हैव? 1/log x. log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x. तो योर फाइनल आंसर विल बी 1/x log x. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके नंबर 9 इज
cos x upon log x. अगेन ये न्यूमरेटर है आपका और ये क्या आपका डिनोमिनेटर. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे. एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे साइन x का जो स्क्वायर होता है उसको आप साइन स्क्वायर x लिख सकते हो, ऐसा लॉग में नहीं होता. बहुत बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, लॉग x के स्क्वायर को लॉग स्क्वायर x नहीं लिख सकते, मीनिंग ही चेंज हो जाता है. समझ में आके इस चीज का ध्यान रखना, अगर लॉग x का स्क्वायर है तो वो ब्रैकेट के साथ ही लिखा जाएगा होल स्क्वायर में, राइट. डिनोमिनेटर स्क्वायर हो गया लॉग x का होल स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर इज एस एच एस डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इज एस एच एस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, माइनस cos x. log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by x, डिनोमिनेटर में log x होल स्क्वायर माइनस log x इनटू साइन x. अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूमरेटर को हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो माइनस log x साइन x अपॉन log x होल स्क्वायर हो गया. स्प्लिट करने का रीजन आपको समझ में भी आ रहा होगा, बिकॉज log x से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. माइनस कॉस एक्स बाय एक्स अपॉन लॉग एक्स होल स्क्वायर, ये आपका एज इट इज आ जाएगा, विच कैन बी रिटन एज लॉग एक्स होल स्क्वायर बाय वन. देन लॉग एक्स एंड स्क्वायर वैल्यू विल बी कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद माइनस साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स बाय वन, ये है लॉग एक्स होल स्क्वायर बाय वन. अगर ऐसी रिप्लिकेट करोगे तो वन अपॉन लॉग एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा. What we will have minus sin x upon log x minus cos x upon x into log x whole square, and this is the final answer of this question. Okay. Last question है वो भी discuss कर लेते हैं पहले. This is the last question of this exercise. फिर exercise हमारी complete हो जाएगी. Cos log x plus e raised to power x. Again, ये आपका है theta. और आपको पता सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा, ये आपका थीटा हो गया. फिर हम एंगल का डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ थीटा व्हाट वी विल हैव माइनस साइन log x प्लस e रेस टू पावर x. log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x, e रेस टू पावर x का डेरिवेटिव e रेस टू पावर x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर?